as per liquid state and polygravity property is concerned. It is important chapter as per your class 12 board syllabus is also concerned. और यहां से भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। यहाँ चैप्टर के दो पार्ट हैं, एक चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज है और दूसरा बड़ा पार्ट पॉलीग्रेटिव प्रॉपर्टीज है। सो मोर ऑफ लेस 3 to 4 लेक्चर्स लगेंगे चैप्टर खत्म होने में और लिक्विड सॉल्यूशन भी हो जाएगा, है ना। सम्यक सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कुछ और नहीं था क्या बेटा? एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना सॉलिड स्टेट एंड में, है ना? Okay. हाँ, उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा दिए थे, कुछ पॉइंट्स अगर और ऐड कर पाऊंगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है सर। सो इन लिक्विड स्टेट ऑब्वियसली इफ यू सी एनसीईआरटी वहां तो पहले कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के डेफिनेशंस गिवन है इंक्लूडिंग मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शंस। आई होप वो सब के डेफिनेशंस हम लोग को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ना? वो पढ़ा है तो। हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे पहले इंक्लूडिंग वेपर प्रेशर इंक्लूडिंग बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन एंड देन विल सी हेनरीज लॉ राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। उसी में थोड़ा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग पढ़ेंगे एंड देन विल सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो मोर ऑफ लेस बिफोर वी स्टार्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दो लेक्चर हम लोग लग जाएंगे और दो लेक्चर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, ठीक है? तुम लोग को अभी टाइम है, शायद सॉलिड स्टेट पहले फिनिश करोगे उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन का मैं स्टार्ट करूंगे शायद, है ना? सो इन लिक्विड सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में आपने जो रेस भेजी उसके अलावा और भी है क्या? तो जो रेस भेजी है उसका क्या, उसके अलावा और भी है क्या? फिर और सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारा असाइनमेंट कर सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं आप और भेजोगे क्या? हां भेज सकता हूं, जैसे तुम लोग सॉल्व कर लोगे यार। ओके सर, है ना, बहुत कुछ है बेटा सॉल्व करने के लिए हर चीज होगा, है ना? ओके सर, सो इट इज लेट्स से लिक्विड सॉल्यूशन। सो पहले कुछ कुछ चीजें हम लोग डिफाइन कर सकते थे, जैसा फर्स्ट थिंग इज You can say vapor pressure. Here, as per this term vapor pressure is concerned, ये पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं आएगा ही, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। Although vapor pressure somewhere we have seen in gaseous state and chemical equilibrium also, है ना? As per definition is concerned, to just revise at any given temperature few molecules of substance always present in let's say gaseous phase. So at any given temperature, few molecule of substance always present in gaseous phase, which remain in equilibrium with, let's say, given substance. ऐसा कुछ हम लोग पढ़ भी रहे थे, जैसा फॉर एग्जाम्पल सपोज इन दिस कंटेनर इफ वी हैव H2O लिक्विड सो एट एनी गिवन टेम्परेचर वी हैव टू हैव सम वेपर्स ऑफ H2O प्रेजेंट इन ए क्लोज कंटेनर विच रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता, वेपर वापस से H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता था। सो इट इज सेम एज लेट्स से H2O वेपर। सो H2O लिक्विड एंड वेपर कैन बी इन इक्विलिब्रियम। सो कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन मे बी लेट्स से H2O लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद H2O वेपर एज पर फॉरवर्ड रिएक्शन इज कंसर्न
it is evaporation, and as far backward reaction is concerned, we know it is condensation. As per Kp, equilibrium constant of this reaction is concerned, it is nothing but partial pressure of H2O vapor at equilibrium. और टेक्निकली यही मेरे पास वेपर प्रेशर भी है ना? तो कुछ ऐसा कहीं ना कहीं 11th क्लास में पढ़ा है तुमने, है ना? Either in the chapter of liquid solutes, either in chapter of let's say gaseous state, or in the chapter of chemical equilibrium. So ये वेपर प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? So vapor, so it is intensive property. You know, obviously it does not depend on amount of substance, purely depends on temperature only. A temperature badhane se vapor pressure increase hota ki decrease hota? Increase ho jata, kyunki ye jo रिएक्शन है इट इज फाउंड टू बी एंडोथर्मिक, है ना? इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. आई होप एफ्टर डेफिनेशन वाइज यू नो, है ना? नाउ सिंस दिस वेपर प्रेशर सेम एज इक्वल टू केपी, है ना? This vapor pressure is same as Kp. So from here, we can always say ki log of P2 divided by P1 should be nothing but delta H0 vaporization divided by 2.303 R and 1 upon T1 minus 1 upon T2. ऐसा लिख सकते थे इसको हम लोग. अच्छा, आपने अभी तक क्या पढ़ाया है? बेटा अभी तक कुछ नहीं किया, हम लोगों ने बस वेपर प्रेशर का डेफिनेशन पहला समझा, है ना? उससे पहले मैं पूछ रहा था सॉलिड स्टेट किसी बच्चे ने किया है कि नहीं किया असाइनमेंट. तो बहुत अच्छा असाइनमेंट किया है सब बच्चों ने. तुमने कितना किया है? सब फर्स्ट. मतलब असाइनमेंट 1 किया है तुमने या डीपीटी 1 क्या था? हां सर. नहीं, असाइनमेंट 1. अच्छा, तो आपने कुछ वो 46 क्वेश्चंस वाले. अच्छा ठीक है, ठीक है. सो पी इक्वल टू केपी है एंड लॉग P2 बाय P1 इक्वल टू डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय 2.303 R टाइम्स ऑफ 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 हो जाता है ना. इट इज हाउ प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर, वेपर प्रेशर. इसी को शायद हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते थे. कैन वी से ये अगर मैं किसी एक इक्वेशन को इसमें अलग कर लूं तो मैं लिख सकता था लॉग ऑफ पी शुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ सम कांस्टेंट, या यू कैन से सम कांस्टेंट सपोज सी, माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 R टाइम्स ऑफ 1 अपॉन T. कुछ ऐसा लिख सकते हैं मैथमेटिकली इसको. लेट्स से एक टर्म है, जब हम लोग रेशियो ले रहे थे तो वो टर्म कैंसिल्ड आउट हो सकता था, और हम लोग चाहते तो इस सी वाले टर्म को मैं कोई कांस्टेंट ऐसा लिख सकता था लॉग ऑफ पी नॉट. सो दिस इक्वेशन इज नथिंग बट लॉग ऑफ पी डिवाइडेड बाई पी नॉट should be equal to minus of delta H naught divided by 2.303, या मैं 2.303 को इधर ले सकता था 2.303 and it is RT. If you rearrange this equation further, you can get vapor pressure at any given temperature is P naught e raised to the power minus delta H naught vaporization divided by RT. So it is how, let's say, vapor pressure can increase with temperature.
इट इज हाउ वेपर प्रेशर कैन इंक्रीज विद टेम्परेचर. मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज लेट्स से ऑन दिस एक्सिस सपोज इफ वी हैव वेपर प्रेशर ऑन दिस एक्सिस इट इज टेम्परेचर, तो ये ग्राफ टेक्निकली ऐसा आना चाहिए या ये ग्राफ टेक्निकली ऐसा आना चाहिए, कौन सा सही है, ब्लू वाला कि रेड वाला? केमिकल काइनेटिक्स याद करके बोलना तुम लोग. केमिकल काइनेटिक्स में कहीं ना कहीं रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाया था, और मैंने बनाया बताया भी था कि ऐसा कुछ क्वेश्चन जेई में आया है पहले भी. सो ये कुछ ग्राफ ऐसा हो जाता है यार, पी वर्सेस टेम्परेचर का. सिंस ये जो डेल्टा एच नॉट है उसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहने वाला है ना, एक लिमिट के बाद वो भी चेंज होगा है ना. और obviously जैसे T tends to infinity होता, vapor pressure should tends to infinity, है ना? तो vapor pressure should increase like this. So vapor pressure should increase with increase in temperature. यार उसके बहुत सारे practical aspects तुम लोग देख सकते हो vapor pressure का, है ना? ऑनियंस को कट करने में आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट काम होता है. यस भाई. हाँ क्यों होता है? सर सल्फर होता है. यस मतलब सल्फर बेस्ड वोलेटाइल कंपाउंड है ऑनियन में, तो जैसे उसको कट कर रहे होते हैं उसका वेपर प्रेशर रिलेटिवली हाई होता है, हम लोग की आंखों में आता है तो इरिटेशन होता है. ऑब्वियसली अगर मैं शायद ऑनियन कट करने से पहले उसको ठंडे पानी से धो दूं, है ना, सच दैट उसका टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज कर दूं, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो सकता है, वो सच सब तब आंख में आंसू नहीं आता है ना. तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो सकता था, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो सकता है. सर मुझे बस ये नहीं समझ रहा है कि जब T tends to infinity होगा तो फिर P tends to P not होना चाहिए. मुझे ये क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये भी तो टेम्परेचर के साथ चेंज होने वाला है. ओके तो मतलब वो एक पॉइंट के बाद नेगेटिव हो जाएगा. यस ये किसने बोला कि ये कांस्टेंट ही रहेगा. ओके सर ठीक. तो इवन जो एनसीईआरटी में ग्राफ है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के, है ना, एनसीईआरटी के भी जो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ है वो कुछ इस टाइप के हैं. सो नेगेटिव हो जाता डेल्टा एच वेपराइजेशन? नहीं नहीं नेगेटिव नहीं होगा ना. अरे वो भी चेंज होगा तो ये वाला जो टर्म है हाँ वो ठीक है पर वो नेगेटिव नहीं होगा. नेगेटिव नहीं होगा ना, रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही, वो प्रोसेस तो हमेशा एंडोथर्मिक ही रहेगा, इवेपोरेशन प्रोसेस. सर तो फिर इन्फिनिटी तो नहीं जाता है ना? कहीं ना कहीं तो वैल्यू अटेंड करेगा, डिपेंड करेगा डेल्टा एच नॉट टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी हो रहा है. सर ठीक है. सर मुझे ये समझ में नहीं आया, वो तो मैक्सिमम पी नॉट ही अटेंड कर पाएगा ना? मैक्सिमम पी नॉट ही अटेंड कर पाएगा ना? बेटा ये जो डेल्टा एच नॉट है ये कॉन्स्टेंट रखेगा तो तू बोलेगा कि ये वाला कंटिन्यूसली, मतलब ये वाला जो ग्राफ है इसका जो ग्राफ है वो ये ऐसा आएगा अगर मैं अज्यूम कर लूं कि डेल्टा एच नॉट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ना. हाँ सर अगर उसे वेरी भी करेंगे तो भी पी नॉट से आगे कैसे जाएगा क्योंकि डेल्टा एच नॉट नेगेटिव नहीं हो पा रहा इस. हाँ ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं पी नॉट मैक्सिमम वैल्यू है कहीं ऐसा करके, है ना. ओके सर. मतलब पी नॉट एक टेंडिंग वैल्यू है कहीं जाके, है ना. हाँ सर. और वो तभी होगा जब टी टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, है ना.
यहाँ से ग्राफ ड्रॉ किया तुम लोगों ने? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम लोग बार बार यहाँ यूज करेंगे इस चैप्टर में, इट इज बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली इसका जो सिंबल है बॉइलिंग पॉइंट का, इट इज टी एंड स्मॉल बी, क्योंकि जो टी एंड कैपिटल बी है केमिस्ट्री में वो ऑलरेडी बॉयल्स टेम्परेचर का सिंबल है। यहाँ डेलिबेटली हम लोग स्मॉल बी लिख रहे होते हैं ना, so you can say the minimum temperature at which वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू, यू कैन से एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, द टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू पी एक्सटर्नल इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ऑब्वियसली फिजिकली कुछ ऐसा तुम लोग इमेजिन कर सकते थे कि सपोज मेरे पास यहाँ H2O लिक्विड है ओपन वेसल में, और यहाँ लेट्स से मेरे पास सपोज H2O वेपर है, तो डू यू थिंक ये H2O वेपर एस्केप करता है क्या? मतलब मेरे पास यहाँ बाहर से सपोज अगर ये रिलेटिवली ड्राई एयर का प्रेशर होता 1 atmosphere, तो कुछ कुछ तो इफ्यूजन वाला फिनोमिना होता कि भाई H2O वेपर थोड़ा बहुत यहाँ इफ्यूज कर जाता और ड्राई एयर थोड़ा सा नीचे आ जाता, है ना। ये जो प्रोसेस है ये इवेपोरेशन है कि बॉइलिंग है? यस बच्चे, ये जो फिनोमिना हुआ कि कुछ कुछ H2O वेपर जाता जाता ड्राई एयर में टाइम के साथ, और जैसे मतलब इट इज समथिंग यू कैन ट्राई जस्ट टू इमेजिन, ऐसे साथ कपड़े सूखते होंगे ना, लाइक जब कपड़े सूखते हैं तो वहां से पानी उड़ने के लिए इवेपोरेशन ही होता होगा ना, बॉइलिंग तो नहीं होता होगा ऑब्वियसली, है ना। सो ये फिनोमिना तो इवेपोरेशन है, बट as a whole these vapors can't escape from here since p external is same as 1 atmosphere, but on increasing temperature jaise hi hum log yahan heat karna start karte more h2o liquid will convert into vapor, and jaise hi ye vapor pressure is more than p external vapor started escaping freely, and to maintain equilibrium more liquid will convert into vapor such that ye jo graph tha wo bhi shayad hum log kuch aisa draw kar sakte the, on this axis if it is vapor pressure, on this axis let's say it is temperature. Abhi log dekh rahe the ek typical graph vapor pressure versus temperature ka kuch aisa aata, suppose ना, सपोज ये प्रेशर है लेट्स से पी एक्सटर्नल, सो द टेम्परेचर एट विच पी एक्सटर्नल के इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर इज नोन एज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग। तो अगर हम लोग पी एक्सटर्नल को डिक्रीज कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और पी एक्सटर्नल को कम कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सर मुझे नहीं समझा बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन के बाद आपने क्या बताया? मतलब बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन के बाद मैं सिर्फ ये समझा रहा था कि अगर बॉइलिंग होना है तो ये जो लिक्विड के वेपर्स बनते हैं उनको फ्रीली एस्केप होना पड़ेगा, है ना। वो फ्रीली एस्केप तभी हो पाएंगे जब बाहर वाला प्रेशर उस वेपर प्रेशर से कम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 1 atmosphere है, और H2O वेपर का प्रेशर जैसे 1 atmosphere या उससे ज्यादा आएगा वेपर बहुत तेजी से एस्केप करना स्टार्ट कर लेंगे, है ना। उससे पहले भी अदरवाइज इवेपोरेशन तो हो ही रहा था, है ना।
evaporation can take place at any possible temperature. Boiling will take place only at a boiling point. समझ गया सर. मैं उल्टा भी कर सकता था ना कि मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर मेजर कर लूं. एक पार्टिकल हाँ बिल्कुल कर सकता है ना. क्लोज कंटेनर में. क्लोज कंटेनर में यस. क्लोज कंटेनर में जैसे ही उसका वेपर प्रेशर पहुंचेगा है ना. हाँ सर. जैसे ही H2O का वेपर प्रेशर हम लोग का लेट्स से 1 atmosphere पहुंचेगा तो हम लोग उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं ना. तो कैन वी से बॉइलिंग पॉइंट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. Yes, sir. So, boiling point, obviously, pressure के साथ तो vary करने वाला है. The we know pressure बढ़ाने से boiling point बढ़ जाता water के लिए and obviously pressure decrease करने से water का boiling point decrease हो जाता है ना. इसमें से बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं है ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है ना. बॉइलिंग पॉइंट इसको हटा दूं अभी. हाँ सर. ओके नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज लेट्स से फ्रीजिंग पॉइंट. एक बार एक स्लाइड पीछे करिए. थैंक यू. सो इट इज फ्रीजिंग पॉइंट और लेट्स से मेल्टिंग पॉइंट. Usually represented as T and small f. इसी को हम लोग fusion point भी बोल सकते हैं ना या temperature of fusing. So you can say the temperature at which simply you can say vapor pressure of the temperature at which vapor pressure of let's say liquid state and solid state is found to be same. So the temperature at which vapor pressure of liquid state and solid state is found to be same. प्रैक्टिकली शायद तुम लोग यहाँ कुछ ऐसा लिख सकते थे लेट्स से सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू सेम वेपर एंड वेपर गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो जितना वेपर प्रेशर सॉलिड का है एग्जैक्टली उतना वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का भी है. सो दिस टेम्परेचर इज नोन एज लेट्स से बॉइलिंग पॉइंट. टिपिकली इसका जो ग्राफ है बॉइलिंग पॉइंट के लिए दिस मे बी ऑन दिस एक्सिस लेट्स से इट इज वेपर प्रेशर ऑन दिस एक्सिस इट इज टेम्परेचर. सपोज इट इज हाउ लेट्स से सॉलिड का वेपर प्रेशर चेंजेस विद टेम्परेचर एंड दिस इज हाउ लेट्स से लिक्विड का प्रेशर चेंजेस विद टेम्परेचर. सो द टेम्परेचर एट विच liquid state and solid state ka vapor pressure is found to be same is known as temperature of freezing. Freezing point. Yes, ये लिखा है तुम लोगों ने. सर इसमें वेपर प्रेशर को फेज चेंज से कैसे रिलेट करें समझ नहीं आया. ये रुको पहले डायग्राम ड्रॉ करो मैं देखता हूँ कि मैं जल्दी से वो पिक्चर मैनेज कर पाया तो थोड़ा और समझाता हूँ है ना. एक मिनट रुकना.
ओके सर। तो एक मिनट रुकना है, मैं एक अच्छा ग्राफ खोज ही लेता हूं। ये ग्राफ ठीक ही है, एक मिनट रुकना। यस बड़े डेफिनेशन लिखा है तुम लोगों ने एक बार? हाँ सर। बच्चे ठीक, मैं एक इमेज शेयर करता हूँ, उसको देखना है ना, रुको एक मिनट। सो ये कुछ इस टाइप, देख पा रहे हो फेज डायग्राम ऑफ वाटर? तो मेरे पास वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, एंड यहाँ जो प्रेशर है, यू कैन लोग चाहो तो ये डायग्राम ड्रॉ भी कर सकते हो, इट इज हेल्पफुल डायग्राम। भाई ये जो प्रेशर है, सपोज यहाँ मेरे पास अभी पी एक्सटर्नल है 1 एटमोस्फियर, यहाँ यहाँ मेरे पास पी एक्सटर्नल है, ये 1 एटमोस्फियर प्रेशर है। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो मैंने डॉट से दिखाया है, ओ पॉइंट, ओ क्या है, ये ट्रिपल पॉइंट है। इस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड एंड वेपर साइमल्टेनियसली तीनों के तीनों ही इक्विलिब्रियम में है ना। 1 एटमोस्फियर पे ये वाला जो टेम्परेचर है ना, दिस टेम्परेचर विल बी नथिंग बट नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट एट 1 एटमोस्फियर। ये वाला जो टेम्परेचर है, इट इज नथिंग बट टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग एट 1 एटमोस्फियर। अच्छा, इस ग्राफ से देखो ऐसा भी दिख रहा है, अगर मैं पी एक्सटर्नल को बढ़ा दूं, है ना, इफ आई इंक्रीज दिस पी एक्सटर्नल, ये बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होगा, बट वाटर के केस में फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है यहां, है ना। सपोज अगर मैं टेक्निकली ये ग्राफ को, अब मैं प्रेशर सपोज ऐसा कर दूं, है ना, प्रेशर अगर मैं 1.2 एटमॉस्फेयर कर दूं सपोज, तो मेरे पास नया फ्रीजिंग पॉइंट ये हो जाता जो कम हो जाता, और नया बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाता जो बढ़ जाता है ना। सो इंक्रीजिंग प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस।
सर बस वाटर के केस में वो ओबी स्लोप नेगेटिव होती है। यस है ना वाटर के केस में, अदरवाइज इन जनरल ना ये देखो ये स्लोप ऐसा रहता है ना, सिर्फ वाटर वाले केस में ही ये वाला स्लोप नेगेटिव है ना। ओके सर। तो ये दोनों पॉइंट्स भी लिख सकते हो तुम लोग, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वाटर का एंड क्रिटिकल प्रेशर है वाटर का। याद है टीसीपीसी, कुछ रिमेम्बर है ये गैसीय स्टेट रियल गैस है ना, और ऑब्वियसली ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर याद रख सकते हो तुम लोग, नियरली 0.06 एटमॉस्फियर एंड 0.01 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ग्राफ ड्रॉ किया तुम लोगों ने, एक मिनट सर। सो इस ग्राफ में हम लोग कुछ देखो ऐसा भी समझ सकते थे चाहते तो कि भाई अगर इसमें सॉलिड और लिक्विड का, सॉलिड और लिक्विड का जैसे ये जो पूरा रीजन है ना, ये पूरे रीजन को मैं लिक्विड बोल सकता हूँ है ना, ये पूरा रीजन लिक्विड है, सॉलिड भी है और गैस भी है ना। तो कैन वी से 0.06 एटमॉस्फियर से पहले सीधे सीधे सबलाइम भी हो सकता था क्या आइस? यस बेटा, 0.06 एटमॉस्फियर से पहले नीचे कम प्रेशर पे आइस सबलाइम भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ सर है ना, बिल्कुल हो सकता है ना। सर इसमें कौन सा रीजन क्या क्या रिप्रेजेंट करे एक बार बता दोगे क्या? बेटा देख जो मैंने शेडेड किया हुआ है वो तो पूरा लिक्विड है ना, जो मैंने येलो से शेड किया। अब सपोज अगर मैं ये ग्रीन से इसको शेड कर देता हूं, ये वाला जो रीजन है ग्रीन वाला जो ये रीजन है, ये पूरा का पूरा आइस है ना, और जो बस शेड नहीं किया हुआ है वो पूरा का पूरा वेपर या गैस है। सर मुझे वो समझ में नहीं आया कि 0.06 से पहले सबलाइम कैसे हुआ। अच्छा मैं तो कुछ देख ऐसा समझ सकता ना, सपोज रुको मैं जैसा, सपोज अगर मैं कोई दूसरा प्रेशर यहाँ ले लूं, लेट्स से दिस प्रेशर इज, सपोज ये प्रेशर है ना, तो डू थिंक इस प्रेशर पे और इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे एंड इस टेम्परेचर पे यहाँ सॉलिड एंड वेपर इक्विलिब्रियम में है क्या? जैसा मैं थोड़ा सा इसको अगर है ना, मैं इसको थोड़ा अगर और समझाने की कोशिश करूं तो जो ए से लेके ओ तक का लाइन है ना, ये जो लाइन है लेट्स से ए से लेकर ओ तक का जो लाइन है, ए से लेके ओ तक का जो लाइन है लाइन, ये सबलिमेशन को रिप्रेजेंट कर सकता था। सेम लेट्स से यहां ये जो ओ से लेके बी तक का लाइन है ये मेल्टिंग को रिप्रेजेंट कर सकता था, एंड सिमिलरली यहां से ओ से लेके सी तक का जो लाइन है वो बॉइलिंग को रिप्रेजेंट कर सकता था। जहां लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम में रहेगा है ना, एक में सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहेगा और एक में सॉलिड एंड वेपर इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाँ सर अभी क्लियर है नहीं थोड़ा सा? हाँ बोलो। हाँ सर। सर ओबी नियरली वर्टिकल होती है क्या?
ये क्योंकि जो डेंसिटी है वाटर के सॉलिड फेज का और लिक्विड फेज का, वो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है ना, 0.9 समथिंग एंड 1 ही है ना। तो जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा, या प्रेशर चेंज करने से, क्योंकि दोनों की डेंसिटी नियरली सेम होती है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है ना। कोई और सब्सटेंस होता जिसका डेंसिटी ऑफ सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज में बहुत डिफरेंस होता, तो प्रेशर चेंज करने से उसका मेल्टिंग वाला इक्विलिब्रिया सिग्निफिकेंटली चेंज होता। ओके सर। सर पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा पॉइंट सी अब ये क्रिटिकल पॉइंट है, उसके बाद हम लोग नॉर्मल फेज डिफाइन नहीं कर सकते हैं सब्सटेंस का, है ना। जैसा इसके बाद वाली जो सिचुएशन है पॉइंट सी के, है ना, पॉइंट सी के जो बाद में जो स्टेट है, पॉइंट सी के बाद में जो स्टेट है, यहां हम लोग बोल सकते थे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, यहाँ है ना, ये यहाँ जो एग्जिस्ट करने वाला है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या क्या हो सकते हैं? इफ यू रिमेम्बर गैसेस स्टेट में एक टर्म हम लोग ने पढ़ा भी था, सुपर हीटेड लिक्विड एंड सुपर कूल्ड वेपर, समथिंग लाइक दिस, है ना। हो सकता है कि वेपर वाले फेज में हो वो पूरा का पूरा वेपर, तो इक्विलिब्रियम में आता है तो लिक्विड प्लस वेपर के फेज में रहता है ना। अच्छा, मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एग्जिस्ट करता है। यार सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स अभी के लिए तो चाहे तो लिख सकता था, नहीं चाहे तो भी नहीं लिखेगा, मतलब वो सुपर हीटेड है ना, वो सुपर हीटेड लिक्विड है या सुपर कूल्ड वेपर्स है ना? उनका एज सच कुछ फिजिकल मीनिंग है? नहीं नहीं, अभी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लो, अभी सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट समझो यार, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम ट्रिपल पॉइंट, है ना। ओके सर, भाई ये थोड़ा बहुत समझ लिया, ग्राफ लिखा भी है? हाँ सर। चलो ठीक है, इस लाइन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, ये बहुत कुछ है चैप्टर में पढ़ने के लिए। सो द नेक्स्ट थिंग इज यू कैन से इट इज लेट्स से हेनरीज लॉ। तो क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन एनी लिक्विड, द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन एनी लिक्विड इज directly proportional to, so amount of gas dissolved in any liquid is directly proportional to partial pressure, log bol sakte hain let's say its partial pressure above liquid surface, amount of gas dissolved in any liquid is directly proportional to its partial pressure above liquid surface, you know, point is suppose, you know, suppose this may be any, let's say suppose cold drink bottle books bana lete hain aisa rough sa, dekhta hu bhai meri drawing kaisi hai, कुछ ऐसा है ना बोतल, ये बोतल है, लेट्स से इस पे कुछ लिखा हुआ है पेप्सी, है ना, बढ़िया। सो
ये मेरे पास लेट्स से कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, कार्बोनेटेड ड्रिंक इन विच लेट्स से CO2 गैस गेट डिसॉल्व हियर, और इसको डिसॉल्व करने के लिए यहां मुझे CO2 गैस का पार्शियल प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है ना. सो दिस मे बी सपोज प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, एंड सपोज मैं यहां सी लिख सकता था अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व. अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व एंड पी इज लेट्स से प्रेशर ऑफ द गैस. यार कहने के लिए तो काफी कॉमन सेंस सा लग रहा है कि जैसे जैसे मैं प्रेशर ऑफ गैस बढ़ाऊंगा, गैस हैज टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो थोड़ा सा गैस लिक्विड में चला जाना चाहिए. एंड ऑब्वियसली जैसे मैं प्रेशर रिलीज करूंगा, जो वो अननेसेसरी ज्यादा डिसॉल्व हो गया था वो गैस वहां से बाहर आ जाएगा. एनीवे कोल्ड ड्रिंक में हम लोग ये CO2 कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाते ही क्यों है? एक कोल्ड ड्रिंक में क्यों CO2 ऐड करते हैं हम लोग? टेस्ट अच्छा होता है. टेस्ट मतलब CO2 इज टेस्टलेस है ना. CO2 इज कलरलेस टेस्टलेस गैस. नहीं मतलब प्रिजर्व कर पाते हैं. हाँ मतलब फिज आता है बेसिकली ना. बायोलॉजिकल पर्पस कुछ नहीं है ना. सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ यू कैन शेक करने से क्या होता है? किसके बेटे शेक करने से ज्यादा शेक करने से हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे अंदर वाले उसका, और उससे गैस कम डिसॉल्व होगा. अगर गैस कम डिसॉल्व होगा तो यहाँ गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा है ना. और जैसे मैं इसका ढक्कन खोलूंगा, क्योंकि वहां अंदर बहुत गैस होगा, गैस तेजी से बाहर निकलता है, जिसके साथ वर्नौली है ना, वर्नौली थ्योरम से लिक्विड भी बाहर निकल जाता है. और कुछ याद है शैंपेन है ना, शैंपेन ऐसे ही बाहर निकलता है. ये तो बर्नौली का फंडा पढ़ा रहेगा तुम लोगों ने, बर्नौली थ्योरम है. प्रेशर हेड कम होगा. हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, स्टार्ट हो गया. हाँ सर, समझ गया. ठीक है, चलो. सो एनीवे, सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लो द प्रेशर ऑफ गैस शुड बी लेट्स से सम कांस्टेंट के, एच लिख लेते हैं उसको, एंड टाइम्स ऑफ सी लिख लेते हैं, वेयर ऑब्वियसली दिस पी गैस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड के एच इज नथिंग बट लेट्स से हेनरी कांस्टेंट. सर एक्सपेरिमेंटल है ये? एक्सपेरिमेंटल है ऑब्वियसली. इसको हम लोग थियोरेटिकली इंपोर्टेंस भी समझ लेंगे इसका, है ना. तो इट इज प्योरली डन थ्रू एक्सपेरिमेंट, है ना, एम्पिरिकल रिलेशन. कि भाई उसने डिफरेंट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर मेंटेन करके देखा, और देखा कितना अमाउंट डिसॉल्व हो जाएगा, उसका ग्राफ बना के देखा. बेस्ट फिट ग्राफ इज अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन, है ना. अच्छा, ये सी को जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, ये कौन से यूनिट में हम लोग लिख पाते होंगे अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व? मतलब आइदर द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इज टेकन एज मोलैरिटी, है ना. लेट्स से मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व पर लीटर. इससे ज्यादा कॉमन है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व. हम लोग पता कैसे करेंगे कि यार क्वेश्चन करते समय मुझे इसको मोल फ्रैक्शन लेना है
या मोलैरिटी लेना है सी को, यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट से, है ना, सॉरी यूनिट्स ऑफ हेनरीज कॉन्स्टेंट से. अगर हेनरीज कॉन्स्टेंट का यूनिट, हेनरीज कॉन्स्टेंट का यूनिट अगर एटमोस्फियर में है तो सी को हम लोग को मोल फ्रैक्शन लेना चाहिए, और हेनरी कॉन्स्टेंट का यूनिट अगर एटमोस्फियर पर मोल है, एटमोस्फियर पर मोल है, तब मुझे इसको लेना चाहिए था मोलैरिटी में, है ना. यस, लीटर पर मोल. ये अच्छा बच्चा है, ये ठीक कर रहा है. ये आईआईटी की हिस्ट्री में एक बार ही क्वेश्चन आया है, जेई 2009 एडवांस के पेपर में क्या क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे यहाँ. बट इतना पहले लिखा है तुम लोगों ने ये, एक सेकेंड सर. हो गया सर, लिखा. अच्छा चलो, तो पहले थोड़ा सा हम लोग और थ्योरी देख लें, फिर हम लोग क्वेश्चन भी देख लेंगे वो वाला. ये जो हेनरी कॉन्स्टेंट के एच है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा होगा? मतलब एक तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है. ये जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता होगा मेनली? डिसोल्यूशन ऑफ गैस, जैसा फॉर एग्जांपल इफ इट इज CO2 गैस और इसको अगर मैंने वाटर में डाला यहाँ तो ये कन्फर्मली बन जाता CO2 एक्वस, लिख सकते थे हम लोग. तो एज पर एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज कंसर्न, कन्फर्मली इट इज नेगेटिव. सो डू यू थिंक ये जो डेल्टा एच नॉट है इट मस्ट बी नेगेटिव, द रिएक्शन मस्ट बी एक्सोथर्मिक, अदरवाइज गैस डिसॉल्व होगा ही नहीं भाई, है ना, क्योंकि वो डिक्रीज इन एंट्रोपी के साथ में हो रहा है ना. सो यू कैन से द वैल्यू ऑफ के एच, वैल्यू ऑफ के एच डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स. And the first factor is temperature. First factor is temperature. So, on increasing temperature, generally the value of KH, बच्चे इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेस. सिंस जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा दिस इक्विलिब्रिया विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन और मुझे शायद और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, सेम गैस को डिसॉल्व करने के लिए. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को मुझे और बढ़ाना पड़ेगा तो KH इंक्रीजेस. तो डू यू थिंक कोल्ड ड्रिंक को हम लोग जितना ठंडा करके पिएंगे उतनी गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी उसमें, है ना? कोल्ड ड्रिंक को हम लोग जितना ज्यादा ठंडा पिएंगे उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, है ना? और उसको अगर मैं बाहर फ्रिज से बाहर रख दूं तो गैस डिसॉल्व होगा ही नहीं और मजा भी नहीं आएगा, फिज नहीं आएगा फिर ज्यादा, है ना, पीते समय.
सर हमने वो डेल्टा एच नॉट नेगेटिव बस स्पॉन्टेनियस है इसलिए बोला। हाँ भाई अदरवाइज गैस डिसॉल्व भी नहीं होगा ना, डेल्टा जी नेगेटिव करना ही पड़ेगा मुझे, है ना। ओके सर। तो एक तो ये फैक्टर हुआ कि भाई वो टेम्परेचर पे डिपेंड करना चाहिए केएच का वैल्यू, है ना। सेकंड फैक्टर इज ऑब्वियसली केएच शुड डिपेंड्स, केएच डिपेंड या शुड डिपेंड्स ऑन यू कैन से एफिनिटी ऑफ गैस विद सॉल्वेंट। KH should depends on affinity of gas with solvent. जैसा for example with water as solvent, है ना, with water as a solvent at any given temperature. Can you imagine कि भाई मेरे पास एक KH है अमोनिया गैस के लिए और एक लेट से मेरे पास KH है CH4 के लिए, किसका वैल्यू ज्यादा होगा इन दोनों में से? यस KH4 CH4 विल बी मोर सिंस सेम अमाउंट ऑफ गैस को डिसॉल्व करने के लिए मुझे CH4 में ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सेम अमाउंट ऑफ गैस को डिसॉल्व करने के लिए मुझे CH4 में ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अमोनिया हैज हाई एफिनिटी विद वाटर, तो कम प्रेशर अप्लाई करने पे भी गैस डिसॉल्व हो जाता है। इसे देखो, हम लोग इसको ना थियोरेटिकली भी समझ सकते थे, हेनरीज लॉ को। थियोरेटिकली फॉर एग्जाम्पल सपोज यही सामने है जो मैंने लिखा हुआ है CO2 गैस के लिए। सो कैन वी से एज पर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज कंसर्न विच मे बी लेट्स से KP, C शुड बी रिलेटिव मास ऑफ CO2 एक्वस डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस। यस, ऐसा लिख सकते थे हम लोग। एंड फर्दर यू कैन से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस इज नथिंग बट KP, C टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एक्वस। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर आपने वो टेम्परेचर में जनरली लिखा है, तो मतलब कोई एक्सेप्शन भी होता है क्या? ये यूजुअली होना तो नहीं चाहिए, है ना, मतलब गैस और लिक्विड के लिए तो नहीं होना चाहिए कंफर्मली, है ना। सपोज अगर मेरे पास सिर्फ गैस एंड लिक्विड स्टेट है तो उसमें तो नहीं होगा। ठीक है सर। तो डूइंग थियोरेटिकली भी इस रिलेशंस को हम लोग समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सर वो प्रेशर ऑफ CO2। यस बेटा, प्रेशर ऑफ CO2 आएगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। नहीं, एक्वस में क्या है बेटा? एक्वस में कितना CO2 पर लीटर डिसॉल्व हो गया मोल्स, है ना। अच्छा भाई, लिखते हैं ना कंसंट्रेशन, जब हम लोग KP, C लिख रहे होते थे, है ना, इक्विलिब्रियम, कि जो गैस है उसको पार्शियल प्रेशर में लिख लेते थे और जो कंसंट्रेशन है या जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन हम लोग लिख लेंगे। सर ठीक है। इसी रिलेशन में देखो, हम लोग कुछ ये भी लिख सकते थे, देखो अभी, है ना। हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल टू
ओनली लेट्स से नॉन रिएक्टिंग गैस और पार्शियली रिएक्टिंग गैस विद सॉल्वेंट, मतलब वो कुछ ऐसा गैस होना चाहिए जो फुल्ली उसके साथ रिएक्शन ना करे, है ना। सपोज अगर परमानेंटली कुछ इरिवर्सिबल बॉन्ड बना ले तो अगर मैं प्रेशर रिलीज भी करता तो भी गैस बाहर नहीं आता, है ना। जैसा CO2, CO2 वाटर के साथ पूरी तरह से रिएक्शन नहीं करता है ना, ये समझ में आता है। CO2 बस पार्शियली कंबाइन होके H2CO3 बनाता है। Okay. पहले ये थियोरेटिकली जो भी कुछ पढ़ा हम लोगों ने हेनरीज लॉ उससे रिलेटेड कुछ बच्चों को डाउट हो डिस्कशन करना तो करो अभी साथ में, है ना। सर बस दो फैक्टर्स ही थे ना। हाँ हाँ, है ना, दो फैक्टर रिलेट कर सकते हैं, है ना। साहब ने लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला था बेटा? लास्ट स्टेटमेंट में बोला है कि जो हेनरीज लॉ है इट इज एप्लीकेबल टू ओनली नॉन रिएक्टिंग गैस और पार्शियली रिएक्टिंग गैस विद सॉल्वेंट। जैसा CO2 मेरे पास एक गैस है जो वाटर के साथ फुल्ली रिएक्ट नहीं करता, है ना, उसे पार्शियली रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है। मैक्सिमम गैस तो वाटर में CO2 के फॉर्म में ही रहता है ना। ओके सर। यस, मुझे कुछ और डिस्कस करना है अदरवाइज हम लोग को जेई वाला क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस का, है ना। यस बच्चे, अब लिख के हो गया? हाँ सर। मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों के साथ शेयर करता हूं स्क्रीन। ये क्वेश्चन आईआईटी जेई 2009 में आया था। एडवांस, है ना। देखो अमोल का आंसर ए आ रहा है, शायद ए या बी आंसर था इसका। ए, ऐसे देखो ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आंसर भी हो। एक बार मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूं कि भाई यहां जो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 था इट शुड बी इक्वल टू हेनरीज कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि हेनरी कॉन्स्टेंट का जो यूनिट है बेटा ये जीरो नहीं है, यहाँ थोड़ा याद रखना है ना, ये एक्स्ट्रा आ गया है, मिसप्रिंट है, ये इतना है 1.0, है ना। सो हेनरीज कॉन्स्टेंट का जो वैल्यू है वो एटमोस्फियर वाले में दिया है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो जाता, मीन्स इट इज मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ N2 प्लस लेट्स से मोल्स ऑफ वाटर। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया हो जाता 5 एटमोस्फियर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन ओपन एटमोस्फियर इज 0.8।
इट इज 1 × 10⁵ एंड इट इज नथिंग बट मोल्स ऑफ एन टू डिवाइडेड बाई प्रैक्टिकली डू यू थिंक मैं 10 लिख सकता हूँ बस, क्योंकि मुझे पता ही है कि जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आने वाला है वो टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल आना है ना, मतलब ये जो डिनोमिनेटर में है मैं हमने चाहता तो मोल्स ऑफ एन टू को नेग्लेक्ट ही कर ले मोल्स ऑफ वाटर के कंपैरिजन में, तो यहां से मेरे पास ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा है ना, विच इज 4 × 10⁻⁴ मोल्स। जैसे बच्चे क्लियर है ये क्वेश्चन, नाउ अपार्ट फ्रॉम लेट्स से हेनरीज लॉ, ये मैं देखता हूं तुम लोग कॉलोनी वाले बच्चे बीच में गायब होते रहते हैं, बीच में आते रहते हैं, गायब होते रहते हैं, आते रहते हैं, तो ऐसा बाकी क्लासेस में भी होता है, ऐसे मेरे साथ होता है ऐसा? नहीं सर, बाकी क्लास में भी होता है। अच्छा, मतलब ऐसा रूटीन यूजुअली है ऐसा? हाँ सर, कुछ दिन से। अच्छा, कुछ नेट का शायद इशू रहा होगा। सो नेक्स्ट थिंग इज लेट्स से राउल्ट्स लॉ। भाई इसका स्पेलिंग मैंने एकदम सही लिखा है, ये R A O U L T है ना, राउल्ट्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ यू कैन से 4 एनी लिक्विड सॉल्यूशन, ना 4 एनी लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग For any liquid solution containing miscible, M-I-S-C होना चाहिए ना, miscible के लिए M-I-S-C-I-B-L-E यही होगा ना, miscible क्या होता है? आप वो question दिखा सकते हो क्या? वो question यार अब तो हम लोग ने ले लिया है बेटा, मैं ठीक है मैं वो भेजूंगा ना, इसका वीडियो देख लेना उसमें, है ना? ओके सर। ये मिसिबल का स्पेलिंग क्या होता है? हां सर, ये गुड क्वेश्चन, ये होता है MISC। हां सर, ये होता है। अच्छा, सो कंटेनिंग मिसिबल कंपोनेंट्स, सो फॉर एनी लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग मिसिबल कंपोनेंट्स partial vapor pressure, partial vapor pressure of given component, है ना, partial vapor pressure of a given component is directly proportional to its mole fraction in liquid state, yeah, you can say in liquid solution. So do you think Henry's law bhi practically yahi tha? अभी हम लोग देखेंगे क्या है, है ना? सो कहीं ना कहीं दोनों ही एक ही है यार, हेनरीज लो और राउल्ट्स लो, है ना? जैसा फॉर एग्जाम्पल 4 यू कैन से बाइनरी सॉल्यूशन, 4 बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लेट्स से कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी,
है ना, सपोज मेरे पास यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन है ए एंड बी का, यहाँ मेरे पास लिक्विड स्टेट में ए बी है और लिक्विड स्टेट में लेट्स से मेरे पास बी बी है, इवन ये जो इसके वेपर्स बनते है ना, इवन इसके जो वेपर्स बनते लिक्विड के, इस वेपर स्टेट में भी ए बी है और ये वेपर में लेट्स से बी बी है, लिक्विड स्टेट में लेट्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सपोज एक्स बी है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सपोज वाई ए है एंड सपोज ये वाई बी है। सो अकॉर्डिंग टू लेट्स से राउल्ट्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए जिसको मैं लिख लेता हूं लेट्स से पी ए इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। एक बार उस स्टेटमेंट को समझो, लिखो, कुछ डाउट है तो पूछना भी है ना। सर वो वाई ए वाई बी क्या था? मतलब वाई ए वाई बी अभी हम लिखेंगे भी, बट वाई ए वाई बी लेट्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। ओके सर। हम लोग समझेंगे वाई ए और एक्स ए में भी क्या रिलेशन है, बट एज पर स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ इज कंसर्न दिस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट। ये हम लोग देख भी लेंगे कि ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट क्या होगा इसका। सर अगर ए और बी दो इनविजिबल लिक्विड्स होते हैं तो जो ऊपर होता है उसका ही वेपर प्रेशर होता है ना ऊपर? हाँ बेटा, फिर तो हम लोग ऊपर नीचे की बात नहीं करें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि ऊपर नीचे तो सॉल्यूशन बना ही नहीं ना। हाँ, अच्छा, वो हम लोग देख लेंगे इनविजिबल वाले केस में क्या फार्मूला बनेगा, बट ये पहले हम लोग इनविजिबल के लिए पढ़ रहे हैं ना। पहले वाला पार्ट एक बार फिर से बता दोगे, बाइनरी सॉल्यूशन वाला? सपोज फॉर बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी है ना। अच्छा, इसमें जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए का, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए का, इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। अच्छा, डू यू थिंक हेनरीज लॉ ही है ना प्रैक्टिकली, कि भाई जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता था अबव लिक्विड सरफेस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका जो मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व हो जाता। सर वाई ए क्या है? वाई ए ए एंड बी के रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में। ओके सर। अच्छा, दिस पी ए कैन बी फर्दर इक्वल टू यू कैन से सर्टेन कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स ए, ऐसा लिख सकते हैं इसको। सर इसमें आपने जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिखा है, हाँ, वो और वेपर प्रेशर ऑफ ए सेम नहीं होगा? हाँ सेम ही है, बिल्कुल सेम है ना, बट यहाँ जो हम लोग वो मेजर कैसे करेंगे ए का प्रेशर, हम लोग यहाँ प्रेशर तो सिर्फ टोटल प्रेशर मेजर कर सकते हैं ना टेक्निकली, एक्सपेरिमेंटली तो है ना। हाँ सर, तो टोटल प्रेशर को ए का वेपर प्रेशर नहीं बोलते ना? नहीं नहीं बिल्कुल, उसमें बी भी है ना साथ में अभी। ओके सर, ठीक है। फर्दर हम लोग यहां लिख सकते थे इफ इफ एक्स ए का वैल्यू इज वन, इफ एक्स ए का वैल्यू वन हो जाए तो डू यू थिंक पी ए का वैल्यू के इक्वल हो जाता? अच्छा, ये जो
पी ए इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स ए था, अगर मैं एक्स ए का वैल्यू वन कर दूं, एक्स ए का वैल्यू वन मीन्स सपोज इट इज प्योर सब्सटेंस ए ओनली, है ना, तो तब पी ए का वैल्यू के इक्वल हो जाता और मैं ज्यादा इंपॉर्टेंटली इसको पी ए नॉट लिख देता। पी ए नॉट का मतलब क्या हो जाता, वेपर प्रेशर। Of you can say pure A at given temperature, जो constant है ना, वो तो intensive property है ना, vapor pressure of A। पर तो वो KH नहीं होता। Yes, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, वही Henry's constant हम लोग बोल सकते थे, उसी को हम लोग Henry constant भी बोल सकते हैं, या उसी को भाई Raoult's law और Henry's law अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए, बट दोनों का मीनिंग मोर ऑफ लेस सेम है ना। सर मैं कोई ये नहीं समझा, वो आपने उसके बाद क्या समझाया, वो पी ए इक्वल टू के का एक्स ए के बाद। मैंने बोला कि भाई ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें अगर मैं एक्स ए का वैल्यू वन पुट कर दूं, मींस मेरे पास बी है ही नहीं, सिर्फ ए है वहां, मोल फ्रैक्शन वन हो गया तो, है ना। तो यहाँ जो k का वैल्यू होता, प्रेशर, प्रेशर वो हो जाता ना, प्योर फॉर्म में p a का प्रेशर कितना है, प्योर फॉर्म में a का प्रेशर कितना। अब मैं ये वैल्यूज अगर इस इक्वेशन में वापस पुट कर दूं तो हमेशा ऐसा लिख सकता हूं क्या, p a शुड बी इक्वल टू x a टाइम्स ऑफ p a नॉट। हाँ हाँ, बस बस मैं यही लिखना चाहता था, K और लेट से PA नॉट सेम कांस्टेंट है ना। अच्छा अच्छा सर, वो नॉट इसलिए यूज किया क्योंकि मतलब वो प्योर सॉल्यूशन। हाँ हाँ, अच्छा ऐसा सिमिलरली कैन वी से पार्शियल प्रेशर ऑफ B को हम लोग क्या लिख सकते थे, XB टाइम्स ऑफ PB नॉट, है ना। जैसा हम लोगों ने ये सब कहानी ए के लिए किया, ऐसा बी के लिए भी कर सकते थे। नाउ अकॉर्डिंग टू लेट्स से डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कैन वी से टोटल वेपर प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर पी शुड बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यही तो होता है ना, गैसीय स्टेट में हम लोग करते थे, है ना, विच मीन्स पी शुड बी इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। तो तुम लोग ये वाला फार्मूला याद रख सकते हो, है ना। अच्छा मतलब इन जनरल ये फार्मूला शायद ऐसा होना चाहिए, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई नॉट, क्योंकि अगर मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो कंपोनेंट आते हैं ऐसे, ट्राइनरी कंपोनेंट है, ट्राइनरी सॉल्यूशन है तो तीन कंपोनेंट आ जाते हैं ऐसे, है ना, चार डिफरेंट कंपोनेंट है या चार डिफरेंट कंपोनेंट है उसमें तो चार ऐसे टर्म आ जाते हैं। फर्दर दिस पी कैन बी इक्वल टू एक्स ए टाइम्स ऑफ पी ए नॉट प्लस जो एक्स बी है, मैं उसको वन माइनस एक्स ए लिख सकता हूं। सो पी कुछ ऐसा भी बन सकता था यहां, पी वी नोट प्लस पी ए नोट माइनस पी वी नोट टाइम्स ऑफ एक्स ए, या मैं इसको बोल सकता था पी ए नोट प्लस पी वी नोट माइनस पी ए टाइम्स ऑफ एक्स बी, है ना। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन
same, you can say mole fraction of A in vapor phase. Mole fraction of A in vapor phase. Let's say YA. It will be nothing but PA divided by total pressure P, which is effectively equal to XA PA naught divided by XA PA naught plus XB PB naught. बच्चे इतना लिखा तुम लोगों ने? सर ये इस फॉर्म में लिखने का कुछ खास कारण था जो नीचे लिखा? जो ब्लू में लिखा है, ब्लू रेड इन सब में? हाँ सर। हाँ बेटा, मतलब देखेंगे, मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पर्पस तो नहीं है। मुझे सपोज ग्राफ बनाने होंगे पी वर्सेज एक्स ए के या पी वर्सेज एक्स बी के, तो उन ग्राफ बनाने में यूज होगा उसका, है ना? अच्छा, अभी कॉन्सेप्ट मोर ऑफ लेस सेम है, बट कुछ कुछ हम लोग और एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, जो शायद हम लोगों को क्वेश्चंस करने में यूज होगा, है ना? वो सब चीजें हम लोगों को क्वेश्चंस करने में यूज होगा अभी। जैसा फर्दर कैन वी से, इस इक्वेशन में हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते थे, ये देखो, वाई ए शुड बी इक्वल टू, या मैं ऐसा लिखता हूं, वाई ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, है ना, वाई ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, डू यू थिंक इट कैन बी इक्वल टू एक्स ए डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर पी? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? या हम लोग लिख सकते थे यहां से XA का वैल्यू इज YA टाइम्स ऑफ P डिवाइडेड बाय PA एंड ऐसा ही XB का वैल्यू is YB P divided by PB naught. Further, you can say XA plus XB equal to 1. It means YA P PA naught plus YB P divided by PB naught equal to 1. And another relation you can remember is 1 upon P equal to YA divided by PA naught and YB divided by PB naught. हम लोग चाहते तो वाई बी की जगह 1 माइनस वाई ए पुट कर लें और रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे फिर, है ना? मुझे जो बोर्ड पे लिखा है ये मोर ऑफ लेस तुम लोग ने लिखा है साथ में? नहीं, हाँ सर। मतलब ये डिपेंडिंग जब क्वेश्चन आएगा तब भी तुम लोग ऐसा इक्वेशंस मैनिपुलेट कर करके लिखने की कोशिश भी कर सकते हैं, ना? जैसा फर्दर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं बेटा,
सर ने कहा, मैं लास्ट वाला इक्वेशन लिखा था जो ब्लू में लिखा आपने, उसके बाद ब्लू में लिखा था ना, तो बस हम लोगों ने जैसा मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट के टर्म्स में लिख रहे थे, ऐसा ही हम लोग मोल फ्रैक्शन इन वेपर के फेज में भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं इक्वेशंस को, है ना। ठीक है, सो ये हो जाता मेरे पास वाई ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट प्लस, इसको मैं लिख सकता था वन माइनस वाई ए डिवाइडेड बाई पी वी नॉट, है ना। तो थोड़ा सा मुझे जल्दी से यहां से अब ये बता दो, बहुत सारा मैंने कर लिया, पी शुड बी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ वाई ए कितना आएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा मैं लिख देता हूं, इट इज पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई पी वी नॉट। चलो डिनोमिनेटर वाला टर्म तुम लोग बताओ, आसान लग रहा भी, उतना मुश्किल सा नहीं है। पी ए नॉट, यस पी ए नॉट प्लस प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू वाई ए। अच्छा, तो तुम लोग चाहते तो कुछ ऐसा रिलेशन भी याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। पी पी एज ए फंक्शन ऑफ लेट्स से वाई ए, तो लेट्स से सपोज एक रिलेशन मेरे पास ये है p वर्सेस xa और एक रिलेशन मेरे पास है p वर्सेस ya। फिर इसके बेस पे शायद देखो हम लोग इक्वेशंस भी या ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते थे, टोटल p प्रेशर का ग्राफ, है ना, ये एक्स ए के रेस्पेक्ट में एंड वाई ए के रेस्पेक्ट में। जैसा ऑन दिस एक्सिस इफ यू टेक प्रेशर, वेपर प्रेशर हेयर, ऑन दिस एक्सिस इट इज एक्स ए, एंड सिमिलरली लेट्स से अनदर ग्राफ मे बी ऑन दिस एक्सिस इफ यू टेक पी एंड ऑन दिस एक्सिस इफ यू टेक वाई ए। अच्छा, फर्स्ट वाला ग्राफ कैसा आना चाहिए, यू आर एज्यूमिंग लेट्स से सपोज पी ए नॉट इज मोर देन पी वी नॉट, सपोज इफ यू आर एज्यूमिंग पी ए नॉट इज मोर देन पी वी नॉट, तो ये फर्स्ट वाला ग्राफ कैसा आएगा पी वर्सेस एक्स ए का, दिस शुड बी दिस टाइप ऑफ ग्राफ, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन फॉर विच वाई इंटरसेप्ट इज पी वी नॉट and the slope of this straight line should be PA naught minus PV naught, है ना? So ये वाला जो graph आता, it will be let's say straight line। दूसरा वाला graph कैसा आएगा, blue वाला? मैडम वहां P versus YA का graph कैसा आएगा? Yes, this graph should be hyperbolic graph. This, है ना? This type. So this type of hyperbola. Obviously, यहां भी जो y intercept है, it will be same as PV naught. मुझे दोनों ग्राफ समझ में आ रहे हैं तुम लोगों को, एक स्ट्रेट लाइन एक हाइपरबोला। ओके, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके बेस पे करेंगे अभी, है ना।
डन पहले क्वेश्चंस करेंगे फिर सॉलिड स्टेट के डाउट भी डिस्कस करेंगे बाद चार क्वेश्चन करेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट टाइप सा भी करेंगे ये हुआ हाँ सर ठीक सो फर्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटिवली आसान है क्या है भाई इफ अरे वो पिछला स्लाइड दिखा दीजिए ना प्लीज देखो ये बच्ची हमेशा मुझे परेशान करती है भाई ये ओके सर थैंक यू सो इफ वेपर प्रेशर ऑफ लेट्स से बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी अच्छा जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है जब तक तुम लोग दोनों कंपोनेंट को मिसिबल ले सकते हो है ना सो वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड एज पी इक्वल टू लेट्स से पी इक्वल टू 60 प्लस टाइम्स ऑफ एक्स ए ऑफ एच जी कुछ ऐसा गिवन है लेट्स से है ना देन फाइंड आउट ए ऑप्शन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी ए नॉट एंड पी बी नॉट बी ऑप्शन तुम लोग शायद आजकल लिमिट्स पढ़ रहे होंगे तो लिमिट्स एक्स ए टेंस टू जीरो एंड पी डिवाइडेड बाई एक्स बी नहीं पढ़ रहे सर अरे इतना आता है सी सी इज यू हैव टू फाइंड आउट वाई ए फोर एक्स ए इक्वल टू 0.5 फिर पहले ये तीन पार्ट करो मैं फोर्थ पार्ट बताता हूं अभी क्या है ना क्वेश्चन तो ये आसान क्वेश्चन है यार ये तुम लोगों को करना चाहिए So how you can calculate the value of PA naught and PB naught? कैसे करेंगे calculate इसको? देखो PA naught तो अरे आ रही तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा अच्छा भाई एक एक मेथड तो बड़ा आसान है PA naught तो हाँ जो एक एक मेथड तो आसान है कि मैं इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करूं क्या था पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट टाइम्स ऑफ एक्स ए है ना इसके साथ मैं कंपेयर करूं और मैं पी वी नॉट एंड पी ए नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करूं कोई और बच्चा आसान मेथड बता सकता है इससे भी आसान जब एक्स ए इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो पी इक्वल टू पी वी नॉट बन जाएगा और जब एक्स ए का वैल्यू वन पुट करेंगे तो पी इक्वल टू पी ए नॉट बन जाएगा
सो यहां से मेरे पास आ जाता पी ए नॉट का वैल्यू इज 90 mm ऑफ एच जी एंड पी वी नॉट का वैल्यू 60 mm ऑफ एच जी. अच्छा बी ऑप्शन का आंसर क्या है? यस ऑब्वियसली बी ऑप्शन में ये हो जाना चाहिए पीवी नॉट के इक्वल, है ना, ये हो जाना चाहिए पीवी नॉट के इक्वल विच इज 60 mm ऑफ एच जी. और यहां से मुझे वाई ए अगर मुझे फाइंड आउट करना था तो ये हो जाता एक्स ए टाइम्स ऑफ पी ए नॉट डिवाइडेड बाई एक्स ए टाइम्स ऑफ पी ए नॉट प्लस एक्स बी टाइम्स ऑफ पी बी नॉट इफेक्टिवली कम्स आउट टू बी 90 डिवाइडेड बाई 90 प्लस 60, है ना, शुड बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 15 और कितना आएगा 0.6. सो यहां मोल फ्रैक्शन ए का वेपर फेज में लेट्स से 0.6 आ जा. तो वाई तो एक्से को हाफ डालना ना. हाँ एक्से का वैल्यू हाफ पुट करेंगे तो ऑब्वियसली एक्स बी का वैल्यू भी हाफ ही होगा ना फिर, है ना. डी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इसमें वो वाला रिलेशन यूज किया वाई ए वाई पी ए नॉट इक्वल टू एक्स ए वाई पी. हाँ सर उससे 7/10 है. हाँ सर क्या फिर से बोले भाई क्या यूज किया तुमने वाई ए बाय पी ए नॉट इक्वल टू एक्स ए वाई पी. वाई ए डिवाइडेड बाई हाँ क्या यूज करा y into p upon p a not is equal to x a. ये रिलेशन ना मल्टीप्लाइड बाई p equal to x a ये ना. हाँ सर x a का वैल्यू 0.5 है अभी तो इसी से यही आएगा 0.65 आएगा भाई क्या बात कर रहे हो नहीं आ रहा. अरे x a का वैल्यू 0.5 ना लाइक 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 90 पी ए नॉट का वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर क्या है 90 इंटू 0.5 प्लस 60 इंटू 0.5 ना. हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है भाई. अरे नाले सेम ही मैनिपुलेशंस पर सेम ही इक्वेशंस से तो बना था वो रिलेशन. सॉरी सर गलती इंसान से होती है. नहीं वो ठीक है. अच्छा डी डी पार्ट इज लेट्स से फाइंड आउट टोटल वेपर प्रेशर. फाइंड आउट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ यू कैन से कंडेंसेट ऑफ गिवन लिक्विड. फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ कंडेंसेट ऑफ गिवन लिक्विड इफ एक्स ए का वैल्यू इज सेम एज लेट्स से 0.5. तो पहले मैं डी ऑप्शन का मीनिंग समझाता हूं कि डी ऑप्शन का मीनिंग क्या है, क्या कंडेंसेट का मीनिंग क्या है इस वाले केस में. अच्छा कंडेंसेट का मीनिंग क्या है कि सपोज अगर मैंने ये लिक्विड लिया यहां ना, सपोज मैंने यहां लिक्विड लिया यहां जहां एक्स ए का वैल्यू 0.5 है एंड वाई ए का वैल्यू भी 0.5 था. सपोज यहां से ये जो मेरे पास वेपर्स बने जो इक्विलिब्रियम पे यहां जो वेपर्स बनेंगे है ना, यहां यहां मेरे पास जो इक्विलिब्रियम पे वेपर बनते डू यू थिंक यहां ये वाई ए का वैल्यू कितना हो जा रहा था क्वेश्चन में, ये भी कैलकुलेट किया अभी, ये 0.6 बन जा रहा था. ऑब्वियसली यहां वाई बी का वैल्यू 0.4 बन जाएगा. नाउ इफ थियोरेटिकली यू कैन जस्ट ट्राई टू इमेजिन if these vapors is condensed here,
condensation of these vapors. So can we say liquid state में अब जो मोल फ्रैक्शन होता वो हो जाता 0.6 एंड 0.4. So you can say ये वाला पार्ट जो है इट इज कंडेंसेट. ये जो वेपर्स बने थे उसको हम लोगों ने कंडेंस कर दिया है. ये जो वेपर्स बनेंगे उसको हम लोगों ने कंडेंस कर दिया है और इस कंडेंसेट का ये मुझे वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है. आउट लेट से दिस प्रेशर which comes out to be 0.6 multiplied by 90 plus 0.4 multiplied by 60 और ये कितना आ जा रहा है 78 mm of Hg. Yes, या जो इनिशियल इक्वेशन था उसमें xa की जगह xa डैश पुट कर दो ना सेम थिंग. यस बच्चे ए बी सी डी पार्ट समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या है. लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर वन था. मैं क्लियर है, कोई टेंशन नहीं इसमें. हाँ सर, लिख भी लिया. ओके, क्वेश्चन नंबर टू इज लेट्स से फाइंड आउट value of xa in terms of pa naught and pb naught for which ya minus xa is maximum. Find out the value of XA in terms of PA naught and PB naught for which YA minus XA is maximum. You have to find out your answer in terms of PA naught and PB naught. Yes, ये लिखा है बच्चे. अब ये जो क्वेश्चन है यू कैन सिंपली से कि ये जो वाई ए का वैल्यू है, वाई ए का वैल्यू विल बी नथिंग बट पी ए नॉट टाइम्स ऑफ एक्स ए होल डिवाइडेड बाई पी वी नॉट प्लस
पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट टाइम्स ऑफ एक्स ए, ऐसा बोल सकते थे वाई ए को हम लोग. एंड सिमिलरली वाई ए माइनस एक्स ए शुड बी इक्वल टू, इट इज पी ए नॉट एक्स ए पी वी नॉट पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट एक्स ए एंड इट इज माइनस एक्स ए फॉर लेट्स से मैक्सिमम. यू कैन डिफरेंशिएट दिस वाई ए माइनस एक्स ए, उस डिफरेंसिएशन को जीरो से इक्वेट कर दो, है ना. ये वाला जो टर्म था उसको एक्स ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और जीरो से इक्वेट करो. तो शायद तुम्हें वहां वो एक्स ए का वैल्यू मिल जाता जिसके लिए डिफरेंस मैक्सिमम होगा. यस बच्चे लिखा है इसका मुझे आंसर तुम लोगों को बताना है. अच्छा रूट वाला पी नॉट अपॉन रूट पी ए नॉट प्लस रूट पी बी नॉट, हाँ वैसा कुछ आंसर आना चाहिए. सो ये एक्स से आ जाना चाहिए क्या रहा है पी बी नॉट रूट पी बी नॉट. हाँ सर. Divided by root of PA naught plus root of PB naught. कुछ ऐसा इस टाइप का आंसर आना चाहिए. Yes, बच्चों लिखा है आ रहा है सब बच्चों को कितना आंसर कि नहीं आ रहा है. हाँ सर है ना. जैसा अगर हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे डिवीजन वाले रूल से तो क्या होता था फर्स्ट वाले टर्म का डिफरेंशियल पी ए नॉट एंड सेकंड वाला टर्म एज इट इज which is PA naught minus PB naught times of XA minus first wala term as it is multiplied by second wale term ka differential which is PA naught minus PB naught whole divided by this denominator which is PA naught minus PB naught XA. और इसका क्या बन जाता था स्क्वायर ऐसा माइनस वन शुड बी इक्वल टू जीरो. ऊपर शायद ये वाला पूरा ही टर्म कैंसल्ड आउट हो जाता है ना. ये टर्म तो कैंसल्ड आउट ही हो जाता और ऊपर बच जाता बस पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई पी वी नॉट.
और आगे अगर सॉल्व करते जाऊंगे तो ये आसानी से xa का वैल्यू रूट ऑफ पी वी नॉट डिवाइडेड बाई पी वी ए नॉट प्लस पी वी नॉट बन जाएगा, है ना। यस आदित्य, आ रहा आंसर इसका? नहीं सर, कुछ गड़बड़ की थी मैंने, चेक करना पड़ेगा। हाँ मतलब ये तो अब ऐसा आसान है, पी ए नोट पी वी नोट है उसका रूट बन जाएगा और उसमें से रूट ऑफ पी वी नोट कॉमन ले लेगा। मतलब जैसा ये बन जाता शायद, आ गया सर, आ गया आ गया, रूट ऑफ पी ए नोट पी बी नोट का रूट आ जाएगा ऐसा करके, है ना। हाँ सर। ओके, सो यहां से कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिवली इंपॉर्टेंट वन एंड बड़ा क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना क्या है, मैं सीधे डायग्राम ही ड्रॉ करता हूं क्वेश्चन का और क्वेश्चन समझाता हूं। लेट्स से सपोज एक मेरे पास ऐसा सिलेंडर है कंटेनिंग मूवेबल पिस्टन। You can simply assume ये जो पिस्टन है it is massless, frictionless. Obviously starting में यहां मेरे पास लिक्विड है और obviously किसी भी टेम्परेचर पे कुछ वेपर्स तो बन सकते थे, but do you think जो amount of vapor होता होगा लिक्विड के comparison में उस वेपर के moles negligible होते होंगे, है ना। सपोज मैंने किसी एक ग्लास में अगर वाटर लिया तो प्रैक्टिकली उसके सारे के सारे मोल्स लिक्विड फेज में ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। वेपर में भी जो प्रेजेंट होते हैं वो मोल्स नेग्लिजिबल प्रेजेंट है, लेट्स से, है ना। हियर सपोज इफ वी हैव इनिशियली 10 मोल्स ऑफ ए एंड इनिशियली सपोज if we have 10 moles of B, this PA naught ka jo value hai, it is given as 100 mm of Hg and let's say this PV naught is given as 200 mm of Hg. अब हम लोगों ने क्या करना है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो क्या? बट अभी तक क्वेश्चन में इतना ही किया है कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है विच हैज मूवेबल पिस्टन, लिक्विड फेज में 10 मोल्स ऑफ ए है 10 मोल्स ऑफ बी है और ए एंड बी दोनों का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर गिवन है। अच्छा, इस सिचुएशन पे भी कुछ वेपर्स प्रेजेंट होने वाले हैं, बट डू यू थिंक ये जो वेपर्स का अमाउंट होगा इट विल बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू लिक्विड का अमाउंट। तो प्रैक्टिकली यू कैन से स्टार्टिंग में 10 मोल्स ऑफ ए पूरा का पूरा लिक्विड फेज ही है और 10 मोल्स ऑफ बी भी प्रैक्टिकली पूरा का पूरा लिक्विड फेज में ही है। बट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वंस यू डिक्रीज दिस प्रेशर बाई लिफ्टिंग this piston upward, let's say on moving piston upward, on moving piston upward slowly, यार क्या होगा, क्या फिनोमिना होगा, यहां लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा या वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा? लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा क्योंकि सेम वेपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। सो ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट
मैक्सिमम प्रेशर, फाइंड आउट मैक्सिमम प्रेशर एट विच लेट्स से फर्स्ट बबल ऑफ वेपर विल फॉर्म. मतलब जैसे ये पिस्टन में ऊपर मूव करता, डू यू थिंक फर्स्ट बबल बन जाता मेरा? है ना, जैसे जैसे ये पिस्टन में थोड़ा सा ही ऊपर खींचता मेरे पास फर्स्ट बबल बन जाता. सो डू यू थिंक दिस प्रेशर शुड बी, दिस प्रेशर शुड बी जस्ट लेस देन इनिशियल इक्विलिब्रियम प्रेशर? तो जो इनिशियल इक्विलिब्रियम प्रेशर था उससे जैसे ही ये प्रेशर में थोड़ा सा कम करूंगा फर्स्ट बबल बन जाएगा. सो दिस पी शुड बी लेस देन एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट एंड दिस पी शुड बी लेस देन 150 mm ऑफ एच जी. बेटा ये मैक्सिमम प्रेशर का आंसर कैन बी से 150 भी लिख सकते हैं हम लोग. तो 150 से जैसे ही थोड़ा सा कम होगा फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ वेपर फॉर्म हो जाएंगे, है ना. मैं 1x1 क्वेश्चंस को मिटाता रहूंगा और उसके आंसर को भी, डायग्राम को मैं रहने दूंगा, है ना. पहले ये बताओ ए पार्ट क्लियर है तुम लोगों को? हाँ सर. सो यू कैन से कि भाई ये जो मैक्सिमम प्रेशर है यू कैन से इट इज इक्वल टू 150 mm ऑफ एच जी. ऑब्वियसली उससे जस्ट थोड़ा सा कम होना चाहिए बट मैक्सिमम के लिए उतना लिख सकते हैं. इसको मिटा दूं मैं ए पार्ट को? हाँ सर. ओके, नाउ बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ वेपर इनसाइड फर्स्ट बबल. मतलब फर्स्ट बबल में जो वेपर्स बने हैं उनमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है. मतलब यू कैन जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि सपोज ये जो फर्स्ट बबल यहां बना होगा वेपर जहां आए होंगे यहां, डू यू थिंक ये वेपर भी इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में ही बना होगा और ये लिक्विड इस वेपर के साथ में इक्विलिब्रियम में है. सो यू कैन से जो ये कंपोजिशन है इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर भी मैं लिखता हूं. कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल should be nearly same as composition of equilibrium vapor already present. Composition of equilibrium vapor already present. Yes, बच्चे समझ में आ रहा है मैं क्या लिखा है स्टेटमेंट? सो मैं अगर इनसाइड द बबल देखूं तो वाई ए का जो वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी एक्स ए पी ए नॉट डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई, मैं सीधे सीधे ये लिख दूं क्या, 150 mm of Hg, which comes out to be, let's say 50 divided by 150, और ये 1/3 हो जाता, और y भी 2/3 हो जाता। तो फर्स्ट बबल का कंपोजिशन भी सेम ही रहने वाला था, उतना ही कंपोजिशन जितना वो जो वेपर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट था उसके कंपोजिशन के एक पॉइंट। सर ये बस फर्स्ट बबल के लिए वैलिड है? ये सिर्फ फर्स्ट बबल के लिए वैलिड है। ऑब्वियसली जैसे बबल्स फिर बनते जाएंगे, डू यू थिंक लिक्विड स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा? हाँ सर, हाँ। जो ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है वो ज्यादा जा रहा है ना वेपर फेज में, हाँ, तो उसका मोल फ्रैक्शन कम होगा। हाँ। तो बीच वाली स्टेज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे, है ना। बच्चे बी पार्ट क्वेश्चन का क्लियर है? नाउ द सी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज, सी पार्ट, फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड रिमेनिंग। You have to find out composition of last droplet of liquid remaining. Means अगर मैं पिस्टन ऊपर उठाता गया continuously liquid vapor में convert होता गया तो एक stage मेरे पास शायद ऐसी आएगी, है ना, एक stage मेरे पास ऐसा आएगा कि ये पिस्टन सपोज मूव होते होते यहां आ गया है, और प्रैक्टिकली अब मेरे पास सब कुछ वेपर ही है एक्सेप्ट लास्ट ट्रेसेस ऑफ लिक्विड। तो ये जो लास्ट ट्रेसेस ऑफ लिक्विड बचा है मुझे लेट्स से इसका कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। आई कैन से ये xA' है और ये yA' है, और इस स्टेज पे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज yA' एंड yB'। कैन वी से एट दिस स्टेज, या यू कैन से एट लास्ट ड्रॉपलेट, यू कैन से प्रैक्टिकली complete liquid get converted into vapor. अगर complete liquid vapor में convert हो गया है तो do you think yA' should be equal to जितना स्टार्टिंग में लिक्विड का मोल फ्रैक्शन था? भाई पूरा का पूरा लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो गया है, मींस जो स्टार्टिंग में लिक्विड का कंपोजिशन था अब वो वेपर का कंपोजिशन होना चाहिए। सो डू थिंक yA' का वैल्यू हाफ आ जाता एंड yB' का वैल्यू हाफ आ जाता? यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर नहीं समझा लास्ट वाला पार्ट। मैं लास्ट का ये बता रहा था कि जब पूरा का पूरा लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो ही गया तो जो पहले लिक्विड का कंपोजिशन था अब वो वेपर का कंपोजिशन हो जाएगा ना। हाँ भाई, पहले लिक्विड में 10 मोल्स ऑफ ए 10 मोल्स ऑफ बी लिया था, अब इस स्टेज तक आते आते प्रैक्टिकली वेपर में 10 मोल ऑफ ए एंड 10 मोल ऑफ बी बन गया ना भाई। हाँ सर, है ना।
अब मुझे इस स्टेज पे क्या निकालना था, वाई डैश नहीं निकालना था, है ना, मुझे एक्स डैश का वैल्यू फाइंड आउट करना था। ये मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता था, फिर से मैं ये वाला फार्मूला लगा लूं, वाई डैश इज एक्स ए डैश टाइम्स ऑफ पी ए नॉट एंड इट इज पी बी नॉट पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई पी बी नॉट टाइम्स ऑफ लेट्स से एक्स ए डैश, है ना। अभी भी तो हम लोग राउल्स लॉ लगा सकते हैं इस स्टेज पे भी, लास्ट ड्रॉपलेट पे। अभी मुझे वाई ए डैश का वैल्यू पता है हाफ, तो जल्दी से बताओ ये एक्स ए डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा। पी ए नोट एंड पी वी नोट का वैल्यू यू ऑलरेडी नो, एक हंड्रेड है एक टू हंड्रेड है, यस कितना आ जाएगा भाई एक्स डैश का वैल्यू। भाई पीए नोट की जगह 100 पुट करना है और पीवी नोट की जगह 200 पुट करना है, बस 2 हट समय। टू बाई थ्री हाँ वो सही आंसर लग रहा है भाई, ये 2/3 आएगा। सब वो नहीं लगा सकते क्या, कौन सा वाई ए इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट अपॉन पी, इसमें पी कहाँ पता है तुझे, सब पर वाई ए और वाई बी का प्रेशर तो भी सेम होना चाहिए ना। किसका मतलब पी टोटल प्रेशर कहाँ पता है तुझे इस स्टेज पे। अभी देखो टोटल प्रेशर तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना, डी पार्ट वही है, प्रेशर फाइंड आउट करना है ना। तो यहां से मेरे पास एक्स बी डैश का वैल्यू 1/3 हो जाता। तो ये वो कंपोजिशन है जो लास्ट ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड का कंपोजिशन। बच्चे समझते रहे ना, क्योंकि जो ई पार्ट है, ई पार्ट समझते हो ना, बहुत बुद्धि यूज करना पड़ेगा। डी पार्ट इज लेट्स से फाइंड आउट मैक्सिमम प्रेशर, फाइंड आउट मैक्सिमम प्रेशर एट विच लास्ट ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड कैन आल्सो कन्वर्ट इनटू वेपर। प्रैक्टिकली है ना, जैसे थियोरेटिकली कभी नहीं होगा, बट प्रैक्टिकली फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रेशर एट विच लास्ट ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड विल आल्सो कन्वर्ट इनटू वेपर। अगेन ये भी हम लोग क्या कर सकते थे, ये जो अभी इस इंस्टेंट पे प्रेशर है, बस ये प्रेशर फाइंड आउट कर ले। हाँ क्या हुआ भैया, आर्य क्या हुआ सर? बोलो। कुछ नहीं। अरे ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा बच्चा। तो सर वो आपको इरेज नहीं करना था, वही बोल, वो इरेज नहीं करना था। सर उसका रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ना। हाँ रिकॉर्डिंग तो भेजता हूँ, देखो पहले वाले का ही भेजा था मैंने। तो 133.33 हाँ 133.33 आ जाएगा। लास्ट पार्ट क्या है, मैं अभी बता दूँ, लास्ट पार्ट थोड़ा अच्छा है तो करने दोगे? हाँ बिल्कुल करने दूंगा। ओके सर, बट नहीं भी करने दे सकता हूँ, डिपेंड
जो मैं समझाना चाहता हूँ लास्ट वाले पार्ट पे डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीजें है ना देखते हैं। तो ये अब इस बच्चे ने लिख लिया है, मुझे पता है आर्या ने, नहीं भी लिखेगा तो ये वीडियो देख लेगी, है ना। सो एज पर आंसर, आंसर इज यस, एज पर आंसर इज कंसर्न यू कैन से दिस प्रेशर शुड बी जस्ट लेस देन एक्स ए डैश पी ए नॉट प्लस एक्स बी डैश पी बी नॉट शुड बी जस्ट लेस देन एक्स ए डैश का वैल्यू था भाई यहाँ 2/3, सो 2/3 एंड 100 प्लस 1/3 एंड 200, सो इट इज लेस देन 133.33 mm ऑफ एच जी। यूज कर सकते थे ना क्या एक्स ए पी ए नॉट बाय वाई ए? हाँ ऑब्वियसली अब यूज कर सकते थे उसको, क्योंकि अब तो मुझे फाइनल प्रेशर निकालना है और मुझे एक्स ए डैश और वाई ए डैश पता था। सो यू कैन से यहां जो मैक्सिमम प्रेशर है इट इज इक्वल टू 133.33 mm ऑफ एच जी। नाउ क्वेश्चन का ई पार्ट, क्वेश्चन का ई पार्ट इज फाइंड आउट द प्रेशर एट विच हाफ ऑफ द लिक्विड बाई मोल गेट कन्वर्टेड इंटू वेपर। फाइंड आउट द प्रेशर एट विच हाफ ऑफ द लिक्विड बाई मोल गेट कन्वर्टेड इंटू प्रेशर। कितने मोल्स थे स्टार्टिंग में सब मिला के, सम मोल्स कितने थे स्टार्टिंग में सब मिला के? 20 मोल्स थे। तो यहां मेरे पास टेक्निकली 10 मोल्स बचने चाहिए और ये जो वेपर है यहां भी लेट्स से मेरे 10 मोल्स हो जाने चाहिए, है ना। तो इस स्टेज पे मुझे प्रेशर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। Obviously, your pressure has to be somewhere in the range of, yeah, somewhere in between 150 and 133.33. Yeah? By starting में pressure 150 था, तो last वाला pressure 133.33 है। मतलब इस stage पे हम लोग चाहते तो ये imagine कर सकते थे A के मोल सपोज लिक्विड फेज में अगर X बचे हैं तो B के मोल्स जो बचेंगे वो 100 माइनस X बचेंगे। सेम B के मोल्स जो ऊपर चले जाते वो X हैं और A के मोल्स जो ऊपर चले जाते वो 10 माइनस X है, ये भी 10 होगा, है ना। टोटल बी के जो मोल्स ही थे वो 10 थे, है ना, जिसमें से अगर 10 माइनस एक्स नीचे है तो ऊपर एक्स है और ए के मोल्स नीचे अगर एक्स बचे हैं तो ऊपर 10 माइनस एक्स चला गया। यस बच्चे ये स्टेप समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या लिखा है? आधे मोल्स नीचे हैं और आधे मोल्स प्रैक्टिकली अब ऊपर चले गए। ये मैं समझाता हूं क्योंकि इसके बेस पे इंटरेस्टिंग सा ग्राफ हम लोग समझेंगे। नाउ कैन वी से वाई ए का वैल्यू विल बी नथिंग बट 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स 10 वेपर फेज में, है ना। ये वाई ए का वैल्यू है एंड यहां एक्स ए का वैल्यू हो जाता एक्स डिवाइडेड बाई 10।
एक तो हम लोग ये इक्वेशन लिख लें अब जा, tan माइनस x डिवाइडेड बाई tan शुड बी इक्वल टू पी ए नोट एक्स वाई टेन डिवाइडेड बाई पी वी नोट प्लस इट इज पी ए नोट माइनस पी वी नोट टाइम्स ऑफ एक्स वाई टेन. पी ए नोट एंड पी वी नोट का वैल्यू पता है, एक अच्छा सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा और मुझे वहां से x का वैल्यू बताओ क्या आएगा, है ना. एक अच्छा सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा x का और मुझे वहां से बताना है कि x का वैल्यू क्या आएगा. तुम लोग पी ए नोट 100 था और पी वी नोट 200 था, एक्स का क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बन रहा है यहां. तो कुछ बनेगा, लेट्स से एक्स स्क्वायर तो मैं लिख ही लेता हूं. मैं देखो किसी एक बच्चे का ऐसा बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 200. ओके 200 इक्वल टू 0. ठीक, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा. So it is 40 minus root of 1600 divided by 800 divided by 2, है ना. So 20 minus 10 root 2. 20 minus 10 root 2 ऐसा आ सकता है, बिल्कुल आएगा, है ना. So जो x का value है यहां से वो आ जाता 20 माइनस 10 रूट 2. अब चलो प्रेशर इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर लो. प्रेशर का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, टेक्निकली हम लोग को ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है. ये है प्रेशर, है ना, यही था ना टोटल प्रेशर पी. सो ये पी का वैल्यू फाइंड आउट करो यहां से. अच्छा सही आएगा नंबर, है ना. पीवी नोट का वैल्यू 200 है, पीए नोट एंड पीवी नोट का वैल्यू पुट कर लो और एक्स का वैल्यू वहां पुट कर दो 100 रूट 2. यस, ये आएगा 100 रूट 2 विच इज 141 पॉइंट फोर एम एम ऑफ एच जी. लास्ट आपने क्या बताया, नहीं समझा ये टोटल प्रेशर वाला. अरे यही तो टोटल प्रेशर था भाई, ये जो फार्मूला हम लोग लिखते थे वो यही तो लिखते हैं. पी ए डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर पी, यही तो होता है वाई ए का वैल्यू. हाँ. अरे मतलब एक्स निकालने से मोल फ्रैक्शन निकाल लेता एक्स ए का, वहां से भी कर सकता था. मोल फ्रैक्शन निकाल लो एक्स ए का और फिर टोटल प्रेशर निकाल लो, है ना. हाँ ठीक है. सो इट कम्स आउट टू बी 100 रूट 2 141.4 एमएम ऑफ एचजी. यस बच्चे, इतना लिखा है तुम लोगों ने. हाँ सर. ओके,
अब ना ये थोड़ा सा हम लोग ग्राफ समझ लेते हैं समेत, सॉलिड स्टेट के डाउट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं ना, इससे रिलेटेड एक अच्छा सा ग्राफ है वो समझते हैं पहले। क्या क्या ग्राफ क्या है थोड़ा ध्यान से देखना भी है ना, मैं थोड़ा सा ग्राफ बड़ा ही ड्रॉ करूंगा। ऑन दिस एक्सिस लेट्स से इफ वी हैव प्रेशर, ऑन दिस एक्सिस यू कैन हैव, पर उसका आंसर 100 रूट टू था क्या? हां उसका आंसर 100 रूट टू आएगा है ना। ओके सर ठीक है। ये कंपोजिट और लेट्स से यहां इस एक्सिस पे भी सपोज प्रेशर ही कि इस एक्सिस पे भी प्रेशर ही था सच दैट यहां एक्से का वैल्यू जीरो है और यहाँ एक्से का वैल्यू वन है। सर हाँ तो उसमें एक्से प्लस वाई इक्वल टू वन लेके क्या था, फिर कोई और ट्रिक थी? नहीं नहीं वो अरे वही मतलब वाई के एक्सप्रेशन में लिख लो ना, वाई के एक्सप्रेशन में एक्से के टर्म में लिख लो है ना, वही था ना? हाँ वही था। ओके सर ठीक है। तो इस ग्राफ में एक्से का वैल्यू जीरो एंड एक्से का वैल्यू वन, ये ग्राफ कैसा आता, पी वर्सेस एक्से का ग्राफ कैसा था? डू थिंक पी वर्सेस एक्से का जो ग्राफ है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाता? पी वर्सेस एक्से, देखो इसको मैं हटा दूंगा बट अगर मैं लिखना चाहूं तो P यहां होता था PV नोट, PA नोट माइनस PV नोट टाइम्स ऑफ XA, यही था ना ग्राफ? और इस वाले क्वेश्चन में PV नोट का वैल्यू 200 था और PA नोट का वैल्यू 100 था है ना, तो यहां यहां जो मेरे पास P, ये जो टर्मिनल पॉइंट है ये आ जाता मेरे पास पी ए नोट और ये प्रेशर आ जाता मेरे पास पीवी नोट। यस क्लियर है? अच्छा ये लिखा तुम लोगों ने ऐसा, ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? ये ग्राफ था, नहीं नहीं अभी रुको 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 भाई रुको कंट्रोल, इतना ग्राफ ड्रॉ किया पहले ये बताओ। हाँ सर कर लियो। अच्छा एक मिनट, मैं ग्राफ नहीं मिटा रहा हूँ। अच्छा इसी ग्राफ में मैं एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो जब वाई ए का वैल्यू जीरो है एंड ये वाई ए का वैल्यू वन है, तो डू यू थिंक जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई? वो तो जीरो से लेके वन है और वाई ए भी जब मैं दिखा रहा हूं तो वो भी जीरो से लेके वन है। इसका ग्राफ कैसा होना होता था? दिस ग्राफ विल बी दिस हाइपरबोलिक ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ था वो हाइपरबोला हो जाता है ना। अभी भी जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं वो तो सेम ही रहते हैं ग्राफ के, मैं बस थोड़ा सा तुम्हें ऐसा समझाने की कोशिश कर सकता हूं कि ये ब्लू वाला ग्राफ है, इट इज पी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ए है, और ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है इट इज P as a function of YA है ना? Yes? Yes, sir. अच्छा मैं ये फंक्शन हटा दूं जो लिखा है मैंने एक्स्ट्रा, तो ये मैं हटा देता हूं सिर्फ समझाने के लिए मैंने वैसा लिखा था। अब मैं स्टार्टिंग वाली सिचुएशन में आता हूं उस ग्राफ में, यहां लेट्स से मैं स्टार्टिंग वाली सिचुएशन में आता हूं,
अगर ये स्ट्रेट लाइन मैंने नीचे खींचा पूरा, तो ये वाला वैल्यू कितना है नियरली, ये दिख रहा है कि 0.5 है शायद, है ना? अच्छा, जब XA का वैल्यू 0.5 था, जब XA का वैल्यू 0.5 था, तो ये प्रेशर कितना था? थोड़ा मेरे स्ट्रेट लाइन थोड़ा और बेटर खींचता हूं, यस, डू यू थिंक ये जो प्रेशर का वैल्यू था, इट इज 150 mm ऑफ Hg, जब ये XA का वैल्यू 0.5 था, ये क्वेश्चन के ए पार्ट की बातें होंगी शायद, है ना, कि जब XA का वैल्यू 0.5 था, प्रेशर 150 ऑफ mm ऑफ Hg था, यस yes, ये लिखा तुम लोगों ने, मतलब ये हम लोग के क्वेश्चन का ए पार्ट था, फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रेशर एट विच फर्स्ट बबल विल फॉर्म, है ना। नाउ इफ यू सी क्वेश्चन का डी पार्ट, मीन्स तुम लोग मुझे ये बता सकते हो क्या कि ये प्रेशर कितना आएगा? यस, ये प्रेशर का वैल्यू कितना होगा? अभी जब वाई ए का वैल्यू 0.5 हो जाएगा, है ना, सो डू यू थिंक ये वाला प्रेशर था 130.3 mm ऑफ Hg, जो टेक्निकली हम लोगों ने डी ऑप्शन में कैलकुलेट किया था क्वेश्चन के। बट इस पार्ट को समझो, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो। जब भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्लू ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा तो XA देगा, और जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा तो YA देगा। भाई इतना मैथ आता है ना, फंक्शंस ग्राफ पढ़ा है ना। ए अमोल, क्लियर है जो मैं बोल रहा हूं? हाँ सर। अब अगर क्लियर है तो चलो मुझे ये बताओ, जब ये मैंने लाइन खींचा, ये वैल्यू कितना है? 1/3 मींस जब प्रेशर 150 था तो वाई ए का वैल्यू है ना, तो ये 1/3 था। वेरी गुड। और 2/3, वाह, मैंने अभी किया ही नहीं। ये वाला वैल्यू कितना है? ये 2/3 था लास्ट ड्रॉपलेट पे, है ना, मींस जैसा मैं सके समझाने की कोशिश करूं तो ये हम लोगों ने बी पार्ट में कैलकुलेशन किया था और ये हम लोगों ने सी पार्ट में कैलकुलेशन किया। अच्छा, नाउ मैं थोड़ा सा और कहानी पे आता हूं। 0.5 मोल फ्रैक्शन के कोरिस्पोंडिंग देखो, जो मिडिल वाला लाइन था। अच्छा, जब प्रेशर 150 mm ऑफ Hg था, तो प्रैक्टिकली पूरा का पूरा लिक्विड था कि वेपर था? लिक्विड, पूरा का पूरा लिक्विड ही था। अच्छा, जब डिक्रीज होते होते प्रेशर 133.3 आ गया था, तब पूरा का पूरा वो लिक्विड था कि वेपर था प्रैक्टिकली?
जब वो पूरा का पूरा वेपर था. तो कैन वी से अगर प्रेशर मेरे पास इससे भी कम हो गया तो बस यहाँ प्रैक्टिकली वेपर ही एग्जिस्ट करेगा, और अगर प्रेशर इससे ज्यादा हो गया तो प्रैक्टिकली बस पूरा का पूरा लिक्विड ही एग्जिस्ट करेगा. यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बच्चे अगर प्रेशर 150 से ज्यादा हो जाता तो सिर्फ लिक्विड ही था ना वो प्रैक्टिकली, बस 10 मोल ऑफ ए 10 मोल ऑफ बी लिक्विड स्टेट. वो प्रेशर अगर उससे भी ज्यादा हो जाए तो जो वेपर्स थोड़े बहुत बन भी रहे थे नेग्लिजिबल वेपर, वो भी लिक्विड में कंडेंस हो जाते. प्रेशर जैसे ही प्रेशर जैसे ही 133.3 तक चला गया था तो प्रैक्टिकली पूरा का पूरा वेपर बन गया था, है ना. और अगर मैं प्रेशर और भी कम कर दूं तो जो लास्ट ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड बच रहा था वो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाता. सो डू यू थिंक अगर मैं ऐसा ही, है ना, अगर मैंने ऐसा ही जैसे 0.5 के लिए देखा, मैं अगर हर एक मोल फ्रैक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग देखूं तो डू यू थिंक ये जो पूरा नीचे वाला रीजन है, ये जो नीचे वाला पूरा रीजन है, मैं थोड़ा सा करता हूं, डू यू थिंक ये जो पूरा नीचे वाला रीजन है ये पूरा का पूरा क्या बन जाता? Do you think only vapors? और ऐसा ही ये वाला जो ऊपर वाला पूरा रीजन होता, वो बन जाता प्रैक्टिकली पूरा का पूरा लिक्विड. अच्छा, बीच में क्या है ये स्ट्रेट लाइन और हाइपरबोला के ग्राफ में? बच्चे जो स्ट्रेट लाइन एंड हाइपरबोला है उसमें क्या है? यस, लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम में है ना. मींस अगर मैं सपोज ये कुछ पॉइंट्स यहां मैं देखो ड्रॉ करता हूं, सपोज ये पॉइंट है ए, ए से अगर मैं सपोज यहां बी पे चला जाऊं, ए से बी वाला जो पॉइंट है, कैन वी से ए से बी देखो कुछ ऐसा, ए से बी will be condensed basically liquid and vapor equilibrium में होगा, है ना. तो यहां जो बीच में liquid and vapor पूरा equilibrium में होने वाला था. भाई इस ग्राफ को देखो, समझो, ड्रॉ करो. कुछ डाउट्स है तो पूछना मुझसे, है ना. Thank you.